आज हम कोरबा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। कोरबा विधानसभा जहां कभी भाजपा का परचम नहीं लहरा पाया है। 2008 से बनी ये विधानसभा लगातार कांग्रेस के खाते में दर्ज हो रही है। 3 बार से यहां कांग्रेस के जयसिंह अग्रवाल विधायक चुन के आए हैं। भाजपा ने इस बार पूर्व महापौर और पूर्व संसदीय सचिव लखनऊ देवांगन पर दाव खेला है। लखनऊ देवांगन जो कि काफ़ी सरल, सहज और मिलनसार माने जाते हैं, उनको लेकर के लोगों के बीच में चलते हैं और उनको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया है लोगों के बीच में, उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में लोगों का क्या रिएक्शन है आज जानते हैं लोगों से ही, और उनसे ही बात करते हैं कि क्या मानते हैं लखनऊ देवांगन की दावेदारी को लेकर, कितने मजबूत दावा होगा उनका और क्या लगता है कि लखनऊ देवांगन वापस से विधानसभा में पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। कि इस बार जो भाजपा से है प्रत्याशी किसको चुना गया है और इनकी छवि कैसी है, क्या लगता है इस बार चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पूर्व महापौर वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री लखनलाल दिवंगत जी को चुना गया है। और चूंकि मैंने जैसे कहा कि वो पूर्व महापौर रहे और जिस समय महापौर रहे थे उस समय लगातार उनका प्रवास जो गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती के लोग हैं उनके बीच में रहा, हमारे बीच के आदमी हैं और एक गरीब आदमी, और निश्चित रूप से एक गरीब का बेटा जब चुनाव लड़ रहा है तो एक गरीब की एक बड़े सेठ के साथ टक्कर, और जो कोरबा का लोग सामान्य जनता है वो गरीब जनता है और गरीब गरीब का साथ जरूर देगी और इस बार लखनलाल देवांगन जरूर जीतेगी। ये बताएंगे इस बार भाजपा से टिकट किसको मिली है और छवि इनकी कैसी रही है पहले कार्यकाल में और क्या लगता है आपको? भाजपा से इस बार लखनलाल देवांगन जी को मिली है और लखनलाल देवांगन जी यहाँ तक है कि बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्ति है और आम जनता में उनका प्रभाव अच्छा है। क्या लगता है इस बार चुनाव कैसा रहेगा? इस बार चुनाव बिल्कुल लखनलाल जी निकालेंगे। बताएंगे कि वर्तमान में कोरबा जिले से किसको दिया गया है भाजपा का टिकट और उनकी छवि के बारे में कहना चाहेंगे, कैसी छवि है? वर्तमान में माननीय लखनलाल देवांगन जी को दिया गया है टिकट और उसकी छवि तो अच्छा ही है। भूतपूर्व में पहले 15 नंबर वार्ड में ढोड़ीपारा और कुंवरिया आता था, उसमें वो पार्षद रह चुके हैं। उसके बाद महापौर का कार्य भी अच्छे से संभाले थे और कटघोरा विधानसभा में भी विधायक का वो वर्चस्व निभा चुके हैं और अब उसे कोरबा से मिला हुआ है टिकट, तो लगता है मुझे अगर वो जीतने के बाद भी यहाँ अच्छा तरह से वो निभा पाएंगे और जनता के लाडला और प्यारे हैं और टक्कर तो भैया कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है, बराबर की ही टक्कर रहेगी। अब माननीय हमारे जयसिंह अग्रवाल जी वो भी विधायक और 3 बार के अब विधायक रह चुके हैं और कुर्बान भी उसका अच्छा वर्चस्व है और मंत्री भी हैं और ये दोनों का टक्कर बराबर का ही रहेगा। ये बताएंगे कि अभी किसको भाजपा से जो टिकट मिली है और उनकी छवि कैसी है? भाजपा में जो टिकट मिला है वो तो देवांगन जी को मिला है और ये पहले भी पूर्व मतलब महापौर पद में कार्यकाल भी बहुत अच्छा था और आमतौर पर देखा जाए तो उसका छवि भी बहुत ही बेस्ट है। भैया ये बताएंगे इस बार भाजपा से किसको टिकट मिला है और उनकी छवि कैसी है? छवि तो उसका बढ़िया है, लखनलाल देवांगन को टिकट मिला हुआ है और शुरू में पार्षद भी रह चुका है, उसके बाद में महापौर भी रहा और सांसदीय सचिव भी था, उसका कार्यकाल बहुत सुंदर था। वैसे देखने के हिसाब से तो जहाँ भी देखो उसका कार्यकाल में बहुत सुंदर है। चुनाव में टक्कर की बात करें तो इस बार कैसी टक्कर रहेगी कोरबा में? चुनाव की टक्कर तो है, दोनों का जबरदस्त टक्कर है, वैसे ताबड़ तोड़ है। सर बताएंगे इस बार भाजपा से किसको टिकट दिया गया है, क्या मानते हैं आप? जी, भाजपा से इस बार लखनलाल देवांगन को टिकट दिया गया है कोरबा से, जो पूर्व में यहाँ पर सांसदीय सचिव भी रहे हुए हैं और महापौर भी थे कोरबा में। क्या मानते हैं आपको इस बार कैसी रहेगी? इस बार चुनाव बड़ा घमासान रहेगा, जिस तरह से देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में पता चल रहा है कि लखनलाल देवांगन जी को टिकट मिलने से जिस तरह पब्लिक में जैसे देखा जा रहा है सब
बता रहे हैं कि अच्छे हैं, इनका नेचर स्वभाव भी अच्छा है, सरल स्वभाव के रहे हैं और एक अच्छी छवि कोरबा में इनकी। तो सुना आपने, कोरबा विधानसभा में लखनलाल देवांगन लेकर के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोग उन्हें सबक सहल और मिलनसार मानते हुए एक कांटे की टक्कर कोरबा विधानसभा में होने की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी 3 महीने बचे हैं चुनाव को लेकर के, चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि यह टक्कर कितनी मजबूत हुई और लखन की दावेदारी जिस कोरबा विधानसभा से है उनको वापस से विधायक बनाएगा या वो पूर्व संसदीय सचिव ही बन के रह जाते हैं। धीरज दुबे, IBC24, कोरबा।